टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर किया कि अगर मैं यहाँ पे यूजर फॉर्म लगाऊं और यूजर फॉर्म में यहां हमारे पास मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि किस तरह से लेबल का इस्तेमाल होता है, किस तरह से हमने बताया आपको कि टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है, राइट। और फिर मैंने आपको कॉम्बो बॉक्स के बारे में बताया किस तरह से कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल होता है। तो तीन चीजें इसमें आपने सीखा और उसके यूज से हमने आपको एक फॉर्म बना के बताया कि किस तरीके से उस फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं, राइट राइट सर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आती है, जैसे हम कोई फॉर्म बनाते हैं उसमें हम रिव्यू बटन और चेक बॉक्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीजें आज का टॉपिक है, फिर हम लिस्ट बॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे क्लासेस। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना एक डेमो क्लासेस का फॉर्म ही बना रहा हूँ, चलिए मैं अपने हिसाब से डेमो क्लासेस का फॉर्म बनाता हूँ या डेमो क्लास रिक्वेस्ट बुकिंग फॉर्म जो होता है वही बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर का टाइटल चेंज करता हूँ कि डेमो क्लास रिक्वेस्ट फॉर्म। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये हो गए और यहाँ पे टाइटल भी देते हैं, कि बुक डेमो इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं बड़ा? नीचे यहां देखेंगे फॉर्म, लेकिन यहां इस होने से पहले इस पे क्लिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बोल्ड, और इसकी साइज हमने 8 से 12 कर। उसके बाद मान लीजिए कि हम यहां पे द नेम और मान लीजिए कि यहां पे नेम लिख दिया, और यहां पे हम लेते हैं मोबाइल नंबर। और फिर हम इसको भी यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद यहां पे हम अब यहां पे क्या है कि मुझे यहां पे दो चीजें सिलेक्ट करनी है। सबसे पहला देना कि यहां पे तो जब भी आप रेडियो बटन को यूज करें ना तो ध्यान रखें कि ग्रुप बॉक्स के अंदर में करें, जो फॉर्म है फॉर्म के अंदर में करें। इसके अंदर में करने से क्या होता है कि अगर इसके अंदर बाहर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर निकल जाएगा कि फिर वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ कॉम्बो बॉक्स होता है एक दूसरे से अटैच होता है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, इसलिए पहले बताता हूँ। मैं एक बार इसको डिलीट मारता हूँ तो समझना जरूरी है कि हम फ्रेम में क्यों लें। मान लीजिए ना कि आपको जो है दो कैटेगरी करना है, कि पहले यहाँ कोर्स के लिए और दूसरे टाइप के लिए, दूसरा कोर्स के लिए। तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने मान लीजिए कि कोर्स पे सिलेक्ट कर लिया कि भाई ऑनलाइन, ठीक है। और नीचे जो दूसरा ऑनलाइन हो गया, एक हमारा यहाँ पे आ जाता है, दूसरा आ जाता है ऑफलाइन डीवीडी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब तीसरा जो यहाँ नीचे चाहिए, हम कोर्सेज के लिए कर रहे हैं कि कौन सा कोर्स लेना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिया कि आपको MIS लेना है या आपको VVA लेना है, सॉरी या VVA लेना है। अब प्रॉब्लम क्या होगी पता है सर, मुझे इसमें से किसी एक को क्लिक करना, इसमें से किसी एक को क्लिक करना, लेकिन
देखिए अगर इसमें क्लिक करेंगे तो ठीक है हट गया, लेकिन यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखो हट गया, क्योंकि एक्सेल मानता है कि चारों एक ही कैटेगरी का। लेकिन मैं बोलो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अलग कैटेगरी है और ये अलग कैटेगरी है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में एक बार मैं रैक कर चुका हूँ, तो उस केस में जब आप इस तरह की चीजें करनी हो तो आप जो है यहाँ पे जो फ्रेम है इस फ्रेम को पहले लें और इस फ्रेम के अंदर में डालें, ठीक है, और यहां पे हम दूसरा फ्रेम लेते हैं, ठीक है। दूसरा फ्रेम ले लिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये इसके कैटेगरी में, अगर इस पे क्लिक करता हूं ये हटता है, देखा, अब इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये नहीं हटा, ये दोनों सिलेक्शन हुआ। इसलिए हमने आपको बोला कि हम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे, और मैं ही नहीं आप अगर देखें एक्सेल में भी फ्रेम का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने इसको कॉपी करता हूँ और इस पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल कीजिए, यहाँ देखिए दिख रहा है कि इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें दिख रहा है दोनों अलग अलग है, इसलिए फ्रेम है, ये भी एक एडियो बटन ही है, देखिए पेस्ट फ्रेम में है ये ऑपरेशन फ्रेम में है। तो यहाँ पे तो नाम पेस्ट ऑपरेशन है लेकिन हमारे इसमें तो नाम फ्रेम वन फ्रेम टू है, तो नाम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ कैप्शन होता है कैप्शन में जाइए और यहां पे नाम लिख दीजिए कि यहां मैं लिख देता हूं टाइप और यहां हम देते हैं फ्रेम टू को कोर्स, ठीक है, समझ गया। अब बात आती है कि इसको मतलब कि इससे कोडिंग कैसे होगा, मतलब कि इसको कैसे हम की करें, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम सबमिट करते हैं। अब जैसे कि यहां पे आ गया नेम और यहां पे आ जाएगा मोबाइल, जो डेटा में करते हैं ना, नेम मोबाइल एंड टाइप एंड कोर्स, ठीक है, क्योंकि टाइप इसमें दोनों में से कोई एक चाहिए और इसमें से तीनों में से कोई एक चाहिए। चलिए करना है यहां पे कि शीट डेटा डॉट रेंज ये 65,000 डॉट एंड एक्सल अप डॉट डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू नी डॉट टेक्स्ट वर्क्स 1 डॉट वैल्यू एंड इसको कॉपी किया तो पेस्ट किया और यहां पे हम 0 यहां पे 2 करें और यहां पे टेक्स्ट बॉक्स 2 आ गया। अब बात करते हैं कि पहली रेम्बो बॉक्स जो कमांड बटन है उस कमांड बटन यहां पे ये कमांड ऑप्शन बटन 2 एंड ऑप्शन बटन 1 एंड 2 और ये ऑप्शन बटन आपका 3 4 एंड 5। तो इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, मतलब कि टाइप में टी इक्वल टी, क्या करना है कि इस नी डॉट ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू दैट टी इक्वल टू नी डॉट ऑप्शन बटन 1 डॉट कैप्शन, मतलब कि अब यहां पे लिख भी सकते हो लेकिन कैप्शन कर दिया सिंपल सा, ये मी डॉट
ऑप्शन बटन टू डॉट वैल्यू इक्वल टू टू दैट टी इक्वल टू मी डॉट ऑप्शन बटन टू डॉट कैप्शन वैल्यू लिखा है वैल्यू कहते टू कल आएगा कैप्शन करेंगे तो उसपे जो लिखा हुआ आएगा ये हो गया। अब यहां पे हम इसको कॉपी करेंगे और टू की जगह पे थ्री हो जाएगा और यहां टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे हो जाएगा टी। समझ आया सर? सोनू जी हाँ सर सुनाया आगे सर। अब यहां से थ्री ऑल्सो थ्री फोर और ऑल्सो फोर और इसमें फाइव भी है ना तो यहां पे फाइव और ऑल्सो फाइव और यहां पे फोर ठीक है। अब इसको रन कर दे और यहां पे देते हैं सुजीत नाम 8802579388 क्लिक करते हैं इस पे क्लिक करते हैं एंड सबमिट और डिबग कहां आ गया सर ऑफसेट की स्पेलिंग ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा तो हर जगह पे गलती होगी। देखा आपने? नहीं यहाँ पे देखिए मोबाइल साइट में आ गया मतलब कि हमने हाँ जीरो यहाँ पे वन करना है यहाँ पे टू करना है और यहाँ पे थ्री करना है समझ गए? तो ऑप्शन बटन इस्तेमाल करना आ गया आपको। ऑप्शन बटन के बाद जो पाद आता है वो बाद आता है कॉम चेक बॉक्स। सर इसको कुछ डिजाइन विजाइन कर सकते हैं क्या? क्या जो कॉम्बो बॉक्स आया ना अपना यूजर बॉक्स उसमें कुछ अलग से डिजाइन विजन टाइप कर सकते क्या? जैसे अभी एक्सेल के ऊपर अब जाएगा ना क्या डिजाइन कर सकते बताइए। जैसे इसका फॉर्मेटिंग या ऐसा कुछ वो फ्रेम वर्किंग या ऐसा कुछ आप यहाँ इसका देखिए यहाँ तो आ जाएगा बैक कलर फॉन्ट कलर सब यहाँ चेंज कर सकते हैं आप। ओके सर। अब जैसे चेक बॉक्स ले लिया हमने ठीक है अब चेक बॉक्स का क्या करना है कि इसमें से जो है इसका और इसका तो यहां पे हमें रीज्वाइनिंग एंड सपोर्ट इसमें अगर क्लिक है तो ट्रू आएगा यस या नो करना ट्रू फॉल्स या यस या नो करेंगे मतलब ये तो उसके लिए भी हम यहां सेम लिखेंगे कि इफ मी डॉट चेक बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू तो इक्वल टू ट्रू देन ये यस नहीं मुझे इससे एल्स भी देना होगा ना माफ कीजिएगा इधर से नहीं नीचे एल्स करना पड़ेगा एल्स भी देना पड़ेगा अगर नहीं क्लिक हुआ तो नो आना है ना एल्स तो क्लिक नहीं है तो और यहाँ फोर हो जाएगा ना
और यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ यहाँ फोर ही रहेगा, यहाँ नो करना है और यहाँ पे ऑल्सो हम दूसरे के लिए भी इसी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और यहाँ पे तो कॉमो बॉक्स और चेक बॉक्स यूज करना समझ में आ गया क्या? अच्छा क्या बोल रहे सर? समझ आ गया सर? हाँ सर। अब कभी कभी एक जगह पे आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि मैंने इसको रिमार्क और मैं चाहता हूं कि जब मैं रिमार्क पे क्लिक करूं एक यहाँ पे ये है लेकिन मैं चाहता हूँ एक कब एक्टिवेट हो जब मैं रिमार्क पे क्लिक करूं, मतलब जब मैं इसको प्ले करूं, जब मैं इस पे क्लिक करूं तब जाके इससे जो है ना एसी विजुअल हो, अदरवाइज ए विजुअल ना रहे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसको करना है डिसेबल, क्या करना है विजुअल है, विजुअल को करना है फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहां होगा कि अगर चेकबॉक्स सी पे क्लिक हुआ तो इफ मी डॉट चेकबॉक्स सी डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू दैन मी डॉट चेकबॉक्स थ्री डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एल्स तो इस तरह से चीजें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब प्ले होगा, अब जैसे कि अभी नहीं, जैसे इसे क्लिक करूंगा ये आती है, ये वैल्यू देख दिया है ना टेक्स्ट बुक थ्री डॉट वैल्यू विजुअल डॉट विजुअल का था तो क्या हो गया, ठीक है। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर पहले एंटर करें नेम बाद में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो, सीक्वेंस होगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? तो इस फॉर्म को और अच्छा से बनाने की कोशिश कीजिए, अगली क्लासेस में।